हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने दाल फ्राई तड़का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ढाबे में रेस्टोरेंट में तो आपने दाल फ्राई तड़का खाई होगी एक बार। मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और चलो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चने की दाल को 2 घंटे भिगो दिया था। मैंने 2 कप चने की दाल ली है और इसको वॉश करके 2 घंटे भिगो दिया था। भिगोने के बाद 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके हम इसको कुकर का ढक्कन बंद करके हम 3 से 4 सीटियां लगवाने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और ठंडा होने के बाद ढक्कन खोल के देख लेंगे। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, पैन लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 छोटी प्याज कटी हुई ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही लाल करना है हमें इसे। इसके बाद 5-6 कलियाँ लहसुन की थी उसको मैंने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे इसमें। अब प्याज के साथ हमें इसे भून लेना है। हमें प्याज और लहसुन को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हमें इतना ही लाल करना है। इसके बाद हमें 2 छोटी हुई कटी हुई टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हमें बारीकी काटना है। अब दाल में भी हमने नमक और हल्दी ऐड की थी और ग्रेवी में हम 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब मिक्स कर देंगे इसको। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। अब ग्रेवी को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। थोड़ी देर हम ग्रेवी को ढक के पकाएंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक गई है और टमाटर और प्याज अच्छी तरह से हमारे पक गए। थोड़ी देर करछी से भी आप इस तरह इसको मैश कर सकते हैं टमाटर को। ग्रेवी के अच्छी तरह मैश होने के बाद हमें इसमें दाल ऐड करनी है। और देखिए मसालों ने भी ऑयल छोड़ दिया है। इस तरह 5 मिनट हम चलाते जाएंगे। इसके बाद हमने जो बॉइल दाल थी वो ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए इसमें मैंने ग्रेवी अच्छी तरह से जब मैश हो जाए तो उसके बाद हम दाल ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। धनिया पत्ती अगर आप पहले इसमें ऐड कर दें तो दाल का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए धनिया पत्ती इसमें थोड़ी सी पहले ही ऐड कर दें। इसके बाद दाल को 5 से 8 मिनट तक आप पका लें ताकि जो ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से दाल मिक्स हो जाए। ये देखिए दाल ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और 5 से 8 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते पकाते। ये देखिए दाल फ्राई तो हमारी रेडी हो गई है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। एक पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच घी ऐड किए हैं। तड़का हम घी में ही लगाएंगे। 2 सूखी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरे के गरम होने के बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब ये तड़का हम दाल में लगा देंगे। दाल फ्राई तड़का हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दाल फ्राई तड़का को मैंने सर्व कर लिया है और इसके ऊपर मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर लिया है। आई होप
आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।